जय श्री राम जी की, जय प्रभु हनुमान जी की। आज देखिए हम लोग समझेंगे ये बटुक भैरव चालीसा के बारे में। तो पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि जो ये बटुक भैरव हैं ये सबसे सौम्य और अच्छा रूप है ये भैरव बाबा में। इसलिए अच्छा रूप को माना जाता है क्योंकि इनकी उम्र 5 साल मानी गई है और इनकी अगर हम पूजा करते हैं तो हमको सुख और समृद्धि दोनों ही प्राप्त होती है। तो आइए आज चलते हैं हम लोग बटुक भैरव चालीसा के बारे में समझने और एक एक लाइन और इसका एक एक शब्द का अर्थ हम लोग समझेंगे। देखिए शुरुआत होती है यहाँ पर दोहे से, विश्वनाथ को सुमिर मन। देखिए विश्वनाथ को सुमिर मन का मतलब होता है, विश्वनाथ मतलब होता है नाथों के नाथ महादेव। तो इसका मतलब होता है कि विश्वनाथ को सुमिर मतलब याद करके, मन मतलब मन में। तो इसमें जब भी आप शुरू करिए मतलब शुरू करते हैं भैरव चालीसा तो आप सबसे पहले इसमें शिव जी को याद करिए। सुमिर मतलब याद करना, मन में याद करिए शिव जी को। धर गणेश का ध्यान, देखिए धर गणेश का ध्यान मतलब फिर गणेश जी को ध्यान लाइए, क्योंकि अगर गणेश जी को आप ध्यान नहीं लाते हैं और उनको उनसे अगर आज्ञा नहीं मानते हैं तो आपकी कोई भी पूजा आपकी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि धर गणेश का ध्यान। भैरव चालीसा रचऊ, तो देखिए रचऊ मतलब बनाना या लिखना। तो यहाँ जो जिन्होंने बनाई है वो कहते हैं कि आज मैं भैरव चालीसा रच रहा हूँ, मतलब भैरव चालीसा बना रहा हूँ। कृपा करो भगवान, और कृपा करिए ईश्वर कि जो भी मैं रचूँ वो एक तरह से आपके आपकी बड़ाई है और आप ही के मुख से मुझे मिले, या मैं आपके बारे में मुझको समझ में आए कि आपके अंदर क्या क्या बड़ाइयाँ हैं। क्योंकि चालीसा का देखिए जितने भी चालीसा आप पढ़िए तो उसमें जितने भी ईश्वर है जिनके वहाँ चालीसा लिखी गई है तो उसमें सबकी जय होती है, मतलब सबके बारे में बताया जाता है और सबकी अच्छाइयाँ हैं बताया जाता है। और हम मनुष्य अगर उनकी पूजा करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये भी हमें बताया जाता है इन चालीसाओं में। तो यहाँ तो हमें देखिए इसमें दो लाइनें बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे कहते हैं कि बटुकनाथ भैरव भुजंग। बटुकनाथ मतलब देखिए बटुक का मतलब होता है लड़का या नौजवान। तो हमने कहा यहाँ पे 5 साल की हम बात करते हैं, 5 साल के हैं बटुक भैरव। तो कहते हैं कि बटुकनाथ भैरव, देखिए भैरव का अर्थ क्या है। देखिए अगर भैरव का छोटे से अक्षर में शब्द से आए तो भैरव मतलब होता है डरावना, जिससे लोग डरते हैं। तो बटुकनाथ भैरव भुजंग, और भुजंग मतलब होता है काला। तो यहाँ पर बटुकनाथ जो हैं वो भैरव मतलब ऐसे हैं जो जिनको अगर आप देख लेंगे अगर समझा नहीं तो डरावने लगेंगे आपको। और भुजंग मतलब होता है इनका रंग बहुत गिरा हुआ है, मतलब काफ़ी काले हैं ये। ये आगे कहते हैं श्री काली के लाल, मतलब ये काली के पुत्र भी माने गए हैं, काली माँ के पुत्र माने गए हैं। और अब देखिए यहाँ चीतरमल लिखा है, अच्छा बहुत जगह राम नारायण लिखा है। तो जिन्होंने यहाँ बनाया या छापा उन्होंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ लिखा है चीतरमल पर कर कृपा, मतलब जो एक नाम उनका चीतरमल होगा या जो भी राम नारायण होगा, अगर आप पढ़ें तो भिन्न भिन्न नाम होते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने लिखा है तो उन पर आप कृपा करिए प्रभु काशी के कुतवाल। अब आप जानते हैं कि जो काल भैरव, देखिए हम यहाँ बटुक भैरव बात कर रहे हैं पर यहाँ काल भैरव जी को भी लाया गया है क्योंकि उनको काशी का कुतवाल कहा गया है। क्योंकि अगर आप काशी जाते हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं तो आप बहुत दिन काशी में नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ तक देखिए हमें ये दोहा में उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। जय जय श्री काली के लाला, इसका मतलब क्या हुआ? जय जय का मतलब होता है जीत और जीत। तो यहाँ कह रहा है प्रभु आपकी जीत हो, और श्री मतलब रिस्पेक्टेड, काली के लाल, काली मैया के आप लाल हो, आप बेटे हो। रहो दास पर सदा दयाला, और आप में ये गुण है कि रहो दास पर, दास मतलब भक्त, आप भक्त पर हमेशा सदा दयाला, दयाला मतलब आप भक्त पे हमेशा दया करते हैं। मतलब रहो दास दयाला मतलब आप भक्त पर हमेशा दया करते हैं। भैरव भीषण भीम कपाली, और देखिए भैरव मतलब बताया था डरावना, देखिए भीषण मतलब क्या होता है जिसको देख के लोग डर जाते हैं, भीषण मतलब बहुत ही प्रचंड। तो भैरव भीषण भीम मतलब बहुत बड़ा है, मतलब इनका साइज जो है बहुत बड़ा है। तो भैरव भीषण भीम कपाली का मतलब, कपाली वो कहते हैं जिनके सर में
जो नरमुंड की माला होती है गले में, देखा होगा आपने कभी कभी मतलब काली माँ के लटकती है, तो भैरव बाबा जो हैं उनके गले में भी हमेशा नरमुंड की माला लटकती है, इसीलिए उन्हें कपाली भी कहा गया है। क्रोधवंत, क्रोधवंत मतलब हमेशा क्रोध में रहते हैं, क्रोधवंत लोचन में लाली, तो हमेशा क्रोध में रहते हैं इसलिए उनके लोचन मतलब आंखों में हमेशा लाली रहती है, लाल रहती है हमेशा उनकी आंख। फिर देख ले, क्रोधवंत लोचन में लाली मतलब इतना अधिक क्रोध में हमेशा रहते हैं कि लोचन मतलब आंख में, लाली मतलब हमेशा उनकी आंख हमेशा क्रोध के मारे लाल रहती है। कर त्रिशूल है, देखिए कर का मतलब हाथ होता है, तो कर त्रिशूल है मतलब हाथ में त्रिशूल है। कठिन कराला, अब देखिए कठिन कराला मतलब क्या हुआ, कठिन कराला मतलब हो गया कि वो कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं। देखिए हालांकि कराला के देखिए बहुत मतलब होते हैं, पर यहाँ पर यही मतलब निकलता है, कठिन कराला मतलब कठिन से कठिन काम भी वो चुटकियों में कर देते हैं। गले में प्रभु मुंडन की माला, देखिए वही कपाली का देखिए जो लिखा था, अब वही यहाँ पर उसको समझा दिया गया है। तो गले में, उनके गले में क्या है, गले में मतलब प्रभु क्या गया है गले में, मुंडन की माला मतलब नर मुंडों की माला पहनते हैं प्रभु हमारे। कृष्ण रूप तन वर्ण विशाला, उनका रूप कैसा है कृष्ण जी का, जैसे कृष्ण जी का भी रंग दबा हुआ था, इनका रंग भी दबा हुआ है, तो इस कृष्ण रूप पर बहुत मनभावन है, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो कृष्ण रूप हैं, कृष्ण रूप तन वर्ण विशाला मतलब इनका रूप कृष्ण जैसा मनभावन है, पर तन वर्ण है विशाला, तन वर्ण मतलब उनका जो शरीर है वो काला है और बहुत ही विशाल है। पीकर मद रहता मत वाला, अभी कहते हैं कि इनको मदिरा या शराब अत्यंत प्रिय है, तो हमेशा यह पीकर मस्त रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए जो ये भैरव चाल, जो ये बटुक भैरव चालसा लिखी गई है, इसमें अधिकतर गुण लिखे हैं काल भैरव बाबा जी के, तो यहाँ पर हम जब भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा अगर छोटा बालक है उसके रूप हम लोग पूछते हैं, तो देखिए वो शराब नहीं पियेंगे, वो कभी नहीं पिएंगे, पर ये काल भैरव जी के बारे हमेशा कहा जाता है, तो यहाँ पर जिन्होंने लिखा है उन्होंने थोड़ा बहुत काल भैरव जी की छवि भी लाई है यहाँ पे। आगे चलिए हम चलते हैं, रुद्र बटुक भक्तन के संगी। अब देखिए रुद्र का मतलब क्या होता है, देखिए रू का मतलब होता है चिंता और ध्र का मतलब होता है हरने वाला, तो रुद्र का मतलब हो गया जो चिंता हरने वाला, मतलब चिंता हरने वाले को रुद्र कहा गया है, तो मतलब भैरव बाबा जो बटुक भैरव बाबा हैं वो हमेशा आपकी चिंता हर लेते हैं। तो रुद्र बटुक भक्तन के संगी, बटुक तो आप समझ गए, बटुक भैरव मतलब भैरव बाबा कहा गया है, और भक्तन संगी मतलब हमेशा भक्त को साथ देते हैं, तो अगर उनका कोई भक्त अगर परेशानी में उनको बुलाता है या उनका मन से आह्वान करता है तो वो जरूर उनके पास जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है रुद्र बटुक भक्तन के संगी। प्रेतनाथ भूतेश बिजम भुजंगी, मतलब ये प्रेतों के नाथ हैं, मतलब प्रेतों के बॉस हैं ये, और प्रेतनाथ भूतेश, भूतेश मतलब भूतों के राजा हैं, तो ये प्रेतों के भी नाथ हैं, भूतों के भी राजा हैं, और भुजंगी मतलब इनका रंग अत्यधिक काला है। त्रैल तेश है नाम तुम्हारा, अब ये त्रैल तैश क्या, तैश क्या हो गया, देखिए अगर हम लोग पढ़ें, हम लोग कई अगर कुरान पढ़ते हैं या कई चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि यहाँ पर त्रैल मतलब हो गया तीनों लोक और त्रेश मतलब हो गया राजा, तो ये कहा गया है कि ये तीनों लोकों के राजा हैं क्योंकि ये महादेव के अंश हैं, इसलिए कहा गया है कि त्रैल त्रेश है नाम तुम्हारा, तो त्रैल मतलब त्रैलोक हो गया, तीनों लोक हो गया, और त्रेश का मतलब हो गया राजा, तो ये तीनों लोक के राजा हैं, इनका ऐसा नाम कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं चक्रतुंड अमरेश प्यारा, अब देखिए चक्र आप चक्र जानते होंगे, विष्णु चक्र देखा होगा आपने, चक्रतुंड देखिए तुंड मतलब तेज होता है, तो इनका जो तेज है वो चक्र के समान है, जो कि हर व्यक्ति नहीं झेल सकता है, तो इनका तेज है वो चक्र के समान है, तो हो गया चक्रतुंड अमरेश, देखिए अमरेश का मतलब होता है खुशबू, तो फिर प्यारा मतलब प्यारे, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको खुशबू बहुत ही प्यारी है, तो इसका मतलब इनकी पूजा अगर करते हैं तो अगर अलग प्रकार खुशबू आप जलाते हैं
तो इनको अत्यंत प्यारी है और जल्दी खुश हो जाएंगे, इसलिए अमरेश प्यारा कहा गया है। फिर चलिए आगे चलते हैं, शेखर चंद्र। देखिए शेखर, शेखर मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा शेखर चंद्र कपाल विराजे, कपाल मतलब माथा, विराजे मतलब वहाँ सुशोभित है, तो जो चंद्रमा है वो भी इनके भाल मतलब माथे पे सुशोभित है। तो शेखर चंद्र कपाल विराजे, स्वान सवारी पे प्रभु गाजे, स्वान सवारी पे प्रभु गाजे, तो स्वान मतलब कुत्ता, तो कुत्ता जो है इनकी सवारी है। पै प्रभु गाजे, गाजे मतलब बैठे हैं या बैठना पसंद करते हैं, तो जो प्रभु हैं मतलब बटुक भैरव हैं, उनका 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 वाहन जो है वो कुत्ता है, ये ऐसा ये माना गया है और लिखा गया है पुराणों में। शिव नकुलेश चंड हो स्वामी, देखिए शिव नकुलेश, देखिए नकुल का एक अर्थ बेटा भी होता है, तो ये शिव जी के बेटे हैं क्योंकि उनके अवतार हैं, अंश हैं, तो शिव नकुलेश चंड हो स्वामी, तो ये कहा गया कि शिव जी के नकुलेश हैं मतलब बेटे हैं, और चंड मतलब ये क्रूर हैं, देखने में बहुत भयानक हैं। चंड हो स्वामी, आप स्वामी आपकी क्रूर हैं, देखने में बहुत ही भयानक लगते हैं, आप क्रूर हैं, अगर आप अपने जो दुश्मनों को जब आप मारते हैं तो बहुत ही इनको क्रूरता से मारते हैं आप, तो इसी अर्थ हो गया शिव नकुलेश मतलब शिव जी के बेटे चंड हो स्वामी। बैजनाथ प्रभु नमो नमामि, और बैजनाथ भी देखिए शिव जी का एक रूप है, आप बैजनाथ अगर धाम गए होंगे तो वो शिव जी का ही ज्योतिर्लिंग है, तो बैजनाथ प्रभु नमो नमामि, देखिए नमो का अर्थ होता है नमस्कार करना प्रभु को, तो यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया है कि बैजनाथ प्रभु नमो नमामि, तो ये जो है जो बैजनाथ मतलब महादेव के हैं उनके वो अंश हैं, तो मैं उनको नमो मतलब मतलब उनकी मैं नमस्कार करता हूँ, और नमामि मतलब होता है माँ को नमस्कार करना, मतलब ये पार्वती माँ को भी नमस्कार कर रहे हैं, तो ये नमामि का मतलब हो गया, नमो मतलब नमस्कार करना प्रभु को, और नमामि मतलब होता है माँ को नमस्कार करना, तो ये नमो नमामि अर्थ यहाँ स्पष्ट हो गया। अश्वनाथ क्रोधेश बखाने, अब देखिए अश्वनाथ ये हैं कौन, देखिए अश्वनाथ का मतलब होता है अश्व पे चलने वाले, तो जो ये देखा गया है जो भैरव जी होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं, जो काल भैरव हैं उनके उनसे आठ उनके आठ उनके आठ अवतार हैं जिनको अष्टांग अष्ट भैरव कहा गया है, तो ये यहाँ पर कहते हैं कि अश्वनाथ क्रोधेश बखाने, तो जो आठ भैरव जो अंश हुए हैं काल भैरव के उसमें से एक भैरव जी के पास ये अश्व का मतलब अश्व है मतलब उनका वाहन अश्व है, इसलिए इनको अश्वनाथ भी कहा गया है। तो अश्वनाथ क्रोधेश बखाने, यहाँ कहते हैं कि जो अश्वनाथ जो अश्वनाथ अश्व वाले भैरव जी हैं उनका क्रोधे उनका क्रोध इतना अधिक है कि लोग उसे बखान करते हैं कि उनका क्रोध प्रचंड है, तो इस लिखा है अश्वनाथ क्रोधेश बखाने। भैरव काल जगत ने जाने, देखिए भैरव भैरव मतलब बताया मैंने आपको डरावना, देखिए काल जो होता है वो भी डरावना होता है, काल मतलब समय, देखिए समय किसी का नहीं होता है, समय तो निकलता जाता है, तो काल भी जो होता है मतलब समय वो भी डरावना होता है, तो भैरव काल जगत ने जाने, तो इसलिए भैरव जी का जो मतलब भैरव काल मतलब जो उनका मतलब भैरव जी का जो रूप है वो पूरा जगत जानता है। गायत्री कहे, गायत्री कहें निमिष दिगंबर, देखिए गायत्री माँ कहती हैं, गायत्री माँ इनको क्या कहती हैं बटुक भैरव बाबा को, निमिष, देखिए निमिष का मतलब हो गया आँख मिचमिचाने वाला, जो ऐसा करते हैं ना आँख मिचमिचाते हैं, ये छोटा बच्चा देखा होगा ना आँख मिचमिचा के आपको देखता है, तो गायत्री माँ ने कहती हैं निमिष दिगंबर, निमिष मतलब आँख मिचमिचाने वाला, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न, जो बिना कपड़े का बालक, तो गायत्री माँ ने ये कहती हैं। आगे लिखा है जगन्नाथ उन्नत आडंबर, और जगन्नाथ क्या कहते हैं कि इनका जो आडंबर है मतलब इनका दिखावा तो बहुत उठा हुआ है, बहुत उच्च कोटि, मतलब उन्नत का मतलब होता है उच्च कोटि का, आडंबर मतलब ये बहुत मतलब ये दिखावा है मतलब ये भ्रमजाल बहुत अधिक फैलाते हैं, ये मतलब किसी को भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आडंबर लिखा है, तो हो गया जगन्नाथ उन्नत आडंबर। आगे देखिए चलते हैं क्षेत्रपाल दस पाण कहलाए, देखिए क्षेत्रपाल का मतलब क्या होता है, देखिए क्षेत्रपाल का मतलब इसलिए कहा गया है कि देखिए ये माना गया है कि आठों दिशाओं के अलग अलग भैरव होते हैं,
जो रक्षा करते हैं। हालांकि यहाँ आगे आगे जब दसपाण पढ़ेंगे तो वो वहाँ 10 दिशाओं के यहाँ पर रक्षक माने गए हैं। तो क्षेत्रपाल का हम बता दें तो जिस क्षेत्र के भी भैरव बाबा होते हैं ये माना जाता है, वहाँ उस क्षेत्र की जितनी आत्माएँ हैं सब उनके उनके मुट्ठी में होती हैं, सब उनके वश में होती हैं, इसलिए क्षेत्रपाल कहा गया है। तो क्षेत्रपाल दसपाण, दसपाण मतलब 10 दिशाओं के ये मालिक, मतलब 10 दिशाओं को ये देखते हैं। तो क्षेत्रपाल दसपाण कहाए मंजुल उमानंद कहलाए। देखिए मंजुल का मतलब मनोहर होता है, मतलब कि इनका रूप डरावना जरूर कहा गया है पर ये बहुत ही मनोहर है, अगर अगर इनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही मनोहर रूप से आपसे मिलेंगे। तो मनोहर उमानंद कहलाए, उमानंद उमा उमा देखिए कहते हैं पार्वती माँ को, और उनको उमानंद को खुशी देने वाला, उमानंद को मतलब पार्वती माँ को खुशी का खुश करने वाले ये भी कहलाते हैं। अब देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि उमानंद, अगर आप कभी कामाख्या गए होंगे तो वहाँ पर एक मंदिर है भैरव बाबा का जिनको उमानंद कहा गया है, तो उन्हीं उमानंद की यहाँ पर बात कही गई इस पटुक भैरव चालसा में। ठीक है, चलिए स्पष्ट हो गया होगा आपको, आगे चलते हैं। चक्रनाथ भक्तन हितकारी, अब यहाँ पर कहा गया है कि चक्रों के नाथ है, मतलब इनके हाथ में उंगलियों में चक्र भी होता है। चक्रनाथ भक्तन हितकारी, और भक्तों के हित में, हितकारी मतलब भक्तों को हमेशा हित में रहते हैं, अगर इनकी आप पूजा मन से करते हैं तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी और हमेशा ही आपको मतलब आपकी हमेशा रक्षा ही करेंगे भैरव बाबा। तो इसलिए कहा गया चक्रनाथ, मतलब इनके हाथ में चक्र है उंगली में, और भक्तन हितकारी, हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों के हित में ही काम करते हैं। कहें त्र्यंबक सब नर नारी, अब देखिए कहें त्र्यंबक ये कौन कहता है, ये कहते हैं त्र्यंबक, त्र्यंबक मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ कहा गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये कहते हैं, इनकी बड़ाई करते हैं कि ये इतने अच्छे हैं, अगर कोई भक्त उनकी पूजा करता है तो उसको सब कुछ मिलता है। तो कहें त्र्यंबक सब नर नारी, और सब नर नारी भी इनके बारे में यही कहते हैं कि ये जो बटुक भैरव जी है इनकी पूजा से आपको सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ चलिए स्पष्ट हो गया होगा यहाँ का अर्थ, आगे चलते हैं। संघारक सुनंद तब नाना, देखिए संघारक मतलब होता है दुष्टों को मारने वाले, राक्षसों असुरों को मारने वाले, तो ये संघारक हैं जो असुरों को मारते हैं। तो संघारक सुनंद, सुनंद मतलब आनंद देने वाले, तब नामा इनका ऐसा नाम है। करहूं भक्त के पूर्ण कामा, करहूं मतलब करते हैं, भक्त के पूर्ण मतलब पूरे काम, अगर आप इनको मन से इनको आप पूजा करते हैं बटुक भैरव जी को तो ये सब आपके कार्य अपने आप हो जाएंगे, और जहाँ पे अगर गलत कार्य होगा तो वो कभी होगा ही नहीं, अच्छे कार्य अपने आप निपटते जाएंगे, आपके घर में हमेशा शुभता रहेगी। ये यहाँ पर इस लाइन का मतलब हुआ कि करहूं भक्त के पूर्ण कामा नाथ पिशाचन के हो प्यारे। देखिए नाथ मतलब हे बटुक भैरवा, पिशाचन के हो प्यारे, तो ये आप तो देखिए हमने कहा ना भूतेश, ये भूतेश भी मतलब भूतों के राजा भी हैं, तो ये पिशाचों के भी राजा हैं ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो हो सकता है कि आपको डर लगे, क्योंकि देखिए भाई भूत पिशाच सब इनके गण हैं, पर कभी आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि आप भी उनके भक्त हैं जैसे भूत पिशाच उनके भक्त हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि नाथ पिशाचन के हो प्यारे, संकट मेटहूँ सकल हमारे, संकट मतलब संकट आप जानते हैं परेशानियाँ, मेटहूँ मतलब खत्म करना, तो परेशानी खत्म करने वाले सकल मतलब सब परेशानी, सब सकल मतलब सब हमारे, तो सब स्पष्ट है। तो संकट मेटाऊ मतलब संकट खत्म करिए, सकल हमारे सब संकट हमारे आप खत्म करने वाले देवता हैं। आगे देखिए चलते हैं। कृत्यायु सुंदर आनंदा, तो कृत्यायु का मतलब होता है हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके आभारी हैं, सुंदर आप बहुत अच्छे हैं, आनंदा और आनंद देने वाले हैं। तो कृत्यायु सुंदर आनंदा भक्त जनन के काटहूं फंदा, और जो भक्त जन है, भक्त जन है के काटहूं फंदा, काटहूं मतलब होता है काटते हैं या हरते हैं, और फंदा मतलब परेशानियां, आप जो हैं भक्तों की हर परेशानियां को हर लेते हैं, हर जो भी फंदा है उसको आप काट देते हैं, ऐसा है हमारे प्रभु, हमारे प्रभु बटुक भैरव बाबा जी का रूप। आगे चलते हैं। हो तुम देव त्रिलोचन नाथा,
हो तुम देव त्रिलोचन नाथा, मतलब त्रिलोचन मतलब होता है कि यहाँ महादेव के बारे में कहा गया है। फिर वही कहा गया कि आप महादेव के अंश से उत्पन्न हैं, भक्त चरण में नावत माथा, और जितने भक्त हैं आपके चरणों पे अपना माथा धरते हैं। इसका ये भी अर्थ निकलता है कि अगर आप जब भी भैरव मंदिर जाइए तो उनको आप साष्टांग दंडवत जरूर करिए और अपने मन में यह लाइए कि आप उनके पैरों को छू रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है भक्त चरण पे नावत माथा, मतलब ये हो गया कि अगर आप मतलब जो भक्त चरण है उनको अपना माथा जरूर उनके पैरों पे रखना चाहिए। त्वं 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 अष्टांग रुद्र के लाला, त्वं तो मतलब तुम हो गया। अब देखिए अष्टांग मतलब हो गया उन्हीं आठ भैरों से जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसके हम पूरा वीडियो भी इसके लाएंगे जल्द ही इनके बारे में। तो अष्टांग का मतलब हो गया आठ भैरव, मतलब जो काल भैरव बाबा है उनके आठ अवतार को अष्टांग कहा गया है। तो त्वम अष्टांग मतलब आप तो अष्टांग हैं, रुद्र के लाला और आप भगवान शिव के लाल हैं, लाल मतलब बेटे हैं। महाकाल कालों के काला, और महाकाल मतलब कि यहाँ तक यमराज भी जो हैं जो कालों काला है वो भी आपके सामने टिकते नहीं हैं। तो इसका मतलब हो गया महाकाल कालों के काला, यमराज जो है महाकाल मतलब कालों को हरने वाले आप ये भी कह सकते हैं। महाकाल कालों काला मतलब ये काल मतलब ये काल को भी हर लेते हैं। अगर आप गए होंगे महाकालेश्वर तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि वहाँ पर अगर पूजा करिए तो आपको कभी मतलब कभी आपको देखिए कभी आपकी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी जो कि उम्र से कम हो। तो ये यहाँ पर समझाया गया है आपको। चलें आगे, ताप विमोचन अरिदल नासा। देखिए ताप विमोचन का अर्थ होता है ताप हरने वाला, विमोचन का मतलब हरने वाला। तो ये तपाप मतलब परेशानियाँ, तो ये परेशानियों का ताप आपका हर लेंगे। अरिदल नासा, अरिदल मतलब शत्रु, नासा मतलब नाश करना, तो ये शत्रुओं का नाश कर देते हैं। भाल चंद्रमा करही प्रकाशा, भाल मतलब जो माथे पे चंद्रमा है, करही प्रकाशा वो पूरा प्रकाश करता रहता है। श्वेत काल अरुलाल शरीरा, देखिए श्वेत काल का अर्थ होता है सुबह, और श्वेत काल सुबह हो गया। अरु का मतलब होता है सूर्य, लाल शरीरा मतलब शरीर। तो इसका मतलब ये है कि सुबह के समय अगर आप बटुक भैरव बाबा को देखेंगे तो अरु लाल शरीर मतलब उनका सूर्य के समान शरीर लाल दिखेगा आपको, इतनी चमक दिखेगी आपको, सूर्य के समान शरीर उनका लाल दिखेगा उनका। तो ये मतलब हो गया यहाँ पर श्वेत काल अरु लाल शरीर, श्वेत काल मतलब सुबह, अरु मतलब सूर्य, लाल शरीर। तो इसका अर्थ फिर बता दे रहा हूँ मैं आपको कि सवेरे सवेरे जो भैरव जी का शरीर जो है वो सूर्य के समान लाल दिखता है। मस्तक मुकुट शीश पर चीरा, और उनके जो मस्तक पे मुकुट है शीश पर चीरा मतलब वो शीश पे बहुत सर पे बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुकुट उनके ऊपर। आगे चलते हैं, काली के लाला बलधारी। फिर देखिए इनको कहा गया है काली के लाला, देखिए काली के लाला मतलब ये काली के पुत्र भी माने गए हैं, और बलधारी मतलब ये बहुत ही बलवान है, इसीलिए कहा गया है काली के लाला बलधारी। कहाँ तक शोभा कहूँ तुम्हारी, कहाँ तक शोभा कहूँ तुम्हारी का मतलब होता है कहाँ तक मैं आपकी शोभा कह सकता हूँ। इसका ये भी अर्थ निकलता है कि आप में इतने अधिक गुण हैं जिसके मारे जिसकी बखान मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये भी अर्थ निकलता है इसका। शंकर के अवतार कृपाला, आप तो शंकर जी के अवतार हैं, और कृपाला मतलब बहुत ही कृपालु हैं, तो शंकर के अवतार कृपाला रहो चकाचक पी मद प्याला। चकाचक मतलब मस्त होना, तो मतलब ये मद मतलब ये मदरा पान कर मतलब मदरा पान करके ये मस्त रहते हैं, मतलब इनका जो प्रिय जो अगर पीने वाली चीज़ है तो वो शराब या मदिर ही है, ये कहा गया है। तो ये रहो चकाचक पी मद प्याला, इसलिए देखिए ज़्यादातर भैरव मंदिर में हमेशा शराब चढ़ती है। चलें आगे, काशी के कुतवाल कहलाओ कहाओ, तो काशी के हमेशा कुतवाल कहे जाते हैं। काशी के कुतवाल, कुतवाल का मतलब ये है कि अगर आप कभी भी काशी जाएं तो भैरव दर्शन जरूर करिए। अगर आप एक घूम चले जाते हैं तो अलग बात है, पर अगर आप रहते हैं काशी में अगर दर्शन नहीं करते हैं भैरव बाबा के तो आपका वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा ये कहा जाता है। तो काशी के कुतवाल कहाओ बटुकनाथ चेटक दिखलाओ। अब देखिए बटुकनाथ तो क्लियर हो गए, बटुक भैरव बाबा कह रहे हैं, और चेटक मतलब होता है इंद्रजाल,
इंद्रजाल मतलब ब्रह्मजाल। देखिए ये कहा जाता है इंद्रजाल इसलिए नाम दिया गया है कि इंद्र की ये खासियत है कि वो हमेशा भ्रम पैदा करते हैं, जब भी लड़ाई करें किसी तो भ्रमजाल पैदा करते हैं और उसको और किसी को किसी भी दुश्मन चाहते हैं कि वो कि मतलब वो उसको भ्रम में फंसा कर उसको हरा दें। तो यहाँ पर कहा गया है कि बटुकनाद भी भ्रमजाल बहुत अच्छा फैलाते हैं और किसी को भ्रमित कर देंगे, अपने शत्रुओं को पूरा भ्रमित कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि बटुकनाद चेटक दिखलाए रवि के दिन जन भोग लगावे। अब ये कहा जाता है रवि मतलब इतवार संडे, तो संडे के दिन जन भोग लगा इनकी आप पूजा करें या भोग मतलब इनको आप मिठाई या कुछ भी अर्पण करें आप। तो यहाँ इसलिए कहा गया इतवार क्योंकि रविवार जो है या संडे जो है इनका दिन माना गया है, इसलिए कहा गया है ऐसा कि रविवार के दिन इनका भोग लगावे। धूप दीप नवै चढ़ावे, धूप तो समझते ही होंगे आप अगरबत्ती है या धूपबत्ती आप इनको दिखाइए पहले, दीप मतलब फिर इनकी आप ऐसे घी से या कड़ुए तेल से आप आरती कर लीजिए और फिर नवेद मतलब होता है कि इनको आप कुछ जो कोई खाने की वस्तु चढ़ाइए। तो संडे के दिन ये करना चाहिए हर व्यक्ति को जो इनका पुजारी है जो इनका पूजता है। तो धूप दीप नवेद चढ़ावे, दर्शन करके भक्तन सिहावे। अब देखिए भक्तन सिहावे का मतलब क्या हुआ, देखिए दर्शन करके भक्त सिहावे का मतलब हो गया कि जब भी कोई दर्शन करता है इनका तो भक्त जन सिहावे मतलब होता है इनको अपने हृदय में बसा लेता है। तो जब भी दर्शन आप करेंगे भैरवा के तो वो आपके हृदय में बस जाएंगे, ये अर्थ है दर्शन करके भक्त सिहावे दारुणा की धार पिलावे। और इनको आप जरूर आप दारू मतलब शराब की आप जरूर शराब इनको चढ़ाइए आप रविवार के दिन अगर इनके आप पुजारी हैं। मठ में सुंदर लटकत झावा, अब देखिए झावा का वैसे अर्थ तो टोकरा होता है, देखिए बहुत सारे मंदिरों में होता है कि वहाँ पर टोकरा चढ़ता है और ये हम लोग उनके मतलब टोकरा हिला ला के उनके हम लोग माथे से लगाते हैं अपने, क्योंकि वो एक तरह से रूप होता है भैरव बाबा का। इसलिए लिखा है कि मठ में सुंदर लटकत झावा, उसी में हम लोग अपना जो भी अर्पण करते हैं जो भी हम चढ़ाते हैं सब उसी में डालते हैं उसी टोकरी में डालते हैं। तो इसका मतलब हुआ यही अर्थ है मठ में सुंदर लटकत झावा मतलब जो भैरव बाबा के नाम पे वहाँ पर एक बड़ा सा झावा मतलब डलिया लटकी हुई है जिसमें हम अर्पण करते हैं और माथे से लगाते हैं। तो मठ में सुंदर लटकत झावा सिद्ध कार कर भैरव बाबा, और सिद्ध जो कार कौन करते हैं भैरव बाबा करते हैं। तो अगर जो भी उनका पुजारी होगा उसके हमेशा कार्य सिद्ध होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि कहाँ जो गलत जो अगर कार्य अगर जो उसके लिए गलत होंगे वो कभी सिद्ध नहीं होंगे और जो कार्य उसके लिए अच्छे होंगे हमेशा वो सिद्ध होंगे। तो सिद्ध कार कर भैरव बाबा, तो यहाँ तक तो हमारा स्पष्ट हो गया, आगे चलते हैं। नाथ आपका यश नहीं थोड़ा, मतलब आपका यश थोड़ा नहीं है, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। तो नाथ आपका यश नहीं थोड़ा, फिर कहते हैं ये कर में सुभग सुशोभित कोड़ा, कर मतलब हाथ, कर में हाथ हो गया मतलब हाथ में सुभग सुंदर, सुभग मतलब सुंदर, सुशोभित मतलब अच्छा लगने वाला कोड़ा है, मतलब ये अपने हाथ में एक सुंदर सा अच्छा लगने वाला कोड़ा हमेशा पकड़े रहते हैं जिस उसी कोड़े से वो अपने दुश्मनों को मारते हैं। तो इसलिए कहा गया कर में सुभग सुशोभित कोड़ा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, कटी घुंघरा सुरीले बाजब, कटी मतलब कमर में, तो कटी घुंघरा मतलब कई घुंघरू उनके कमर बंधे हैं तो जब वो चलते हैं तो बहुत सुरीले बजते हैं वो, इसलिए कहा गया है कि कटी घुंघरा सुरीले बाजब। फिर कहते हैं कि कंचन में सिंहासन राजन, और जिस सिंहासन पे बैठे हैं राजत मतलब जिस पे ये विद्वान या बैठे हैं वो कंचन का है मतलब वो सोने का है। तो कंचन में सिंहासन राजत, तो मतलब कंचन का सिंहासन बना है सोने सिंहासन है जिस पे ये प्रभु हमारे बैठते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, नर नारी सब तुमको ध्यावई, जितने भी नर नारी हैं सब आपका ही ध्यान करते हैं। नर नारी सब तुमको ध्यावई मन वांछित इच्छा पलवावई, और इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी नर नारी आपका ध्यान करता है वो मन वांछित मतलब उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, मनोकामना इच्छा पलवावई मतलब मनोकामना उसकी हमेशा पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलते हैं, भोपा हैं आपके पुजारी। अब देखिए जो ये शब्द भोपा आया है इसके बारे में आपको समझाते हैं हम, मतलब एक पूरा बात समझाते हैं कि भोपा का अर्थ होता क्या है यहाँ पर।
देखिए भोपा का मतलब है यहाँ पर, असल में ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये लिखा है वो एक राजस्थान के थे, क्योंकि राजस्थान में ये जो भोपा हैं, ये भोपा देखिए है क्या, सजय सरनेम नहीं होता, जो सरनेम होता है श्रीवास्तव होता है, शर्मा होता है, सिंह होता है, या कोई भी सरनेम होता है, ऐसी सरनेम वहाँ पर भोपा है। तो भोपा एक समुदाय है, भोपा एक ये गुज्जर समुदाय का अंश है। आप जानते हैं कि गुज्जर समुदाय वहीं का है, राजस्थान का, और भोपा एक उनका अंश है। तो मतलब वहाँ के अगर भोपा लिखते हैं तो मतलब वो गुज्जर समुदाय के हैं। अब देखिए भोपा किसे कहा गया वहाँ पे? वहाँ पे ये कहा जाता है कि देव नारायण एक ज़माने में एक अच्छे योद्धा थे और बहुत ही लोगों का भला करते थे, और उन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं राजस्थान में, या उनको लोग देवता कहते हैं। तो देव नारायण की जो पूजा करने वाले थे या उनके बारे में जो कहानी सुनाने वाले थे उनको भोपा कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है भोपा है आपके पुजारी। अब देखिए आपके पुजारी, हमने यहाँ पर कहा कि पुजारी किसके होते हैं, देव नारायण जी के, या जो वहाँ के लोग देवता हैं। अब देखिए ये जो इन्होंने कहा है कि भोपा है आपके पुजारी, तो हम बता दें कि जयपुर से उत्तर की ओर 60 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है रींगस। जो रींगस गांव है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा भैरव बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर जो पुजारी हैं वो भी भोपा ही हैं, मतलब उनका सरनेम भोपा है। इसी लिखा है कि भोपा हैं आपके पुजारी, अब तो स्पष्ट हो गया होगा भोपा हैं आपके पुजारी, करे आरती सेवा भारी। और जो भोपा हैं वो आपकी आरती और सेवा हमेशा मन से करते हैं, तो ऐसा कुछ लिखा है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब भैरव भात आपका गाऊं बार बार पद शीश नवाऊं। देखिए भैरव भात, अब यहाँ पर एक कहानी जुड़ी है कि जो भैरव बाबा थे वो भात चढ़ाने गए थे अपनी बहन जी के नाम पे, या बहन जी का जब शादी हो रही थी तो जो भाई है वो भात चढ़ाता है, तो भैरव बाबा यहाँ पर भात चढ़ाने गए थे। तो भैरव बाबा भात आपका गाऊं बार बार पद शीश नवाऊं, और यह याद करके बार बार मैं आपके शीश नवाता हूँ, आपके पैर पे देखते देखते नहीं शीश नवाता हूँ, मतलब नीचे करके मैं ऐसे करके शीश नवाता हूँ आपको। अब देखिए इस कहानी के बारे में आगे लिखा गया है, मैं पढ़ता हूँ आगे। देखिए अब यहाँ पर कहा गया है, आपहू वारे चीजन धाए, आप ही वारे मतलब आपके द्वारा, आप ही वारे चीजन, चीजन मतलब होता है अंश, और धाए मतलब रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर, ये है कि जो इलादी थी, हम बता रहे हैं आपको, पहले हम एक कहानी बता दे रहे हैं, आप तब समझ में आएगा आपको ये जो लिखा गया है यहाँ पर, तब समझ में आएगा। देखिए एक यहाँ पर एक भरतपुर यहाँ पर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर एक बाबा पूजे जाते हैं जिसको भरतपुर बाबा, हम देव बाबा कहते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बात कि जब वो मरने के बाद भी उन्होंने अपनी बहन को भात पहनाया था, मतलब भगवान के पास से वो लौट के चले आए थे भात पहनाने के लिए, और फिर वो वापस चले गए थे, इसी का यहाँ बताया गया है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि आपहू वारे चीजन धाए इलादी लोचन बजाए, मतलब आपहू वारे चीजन धाए इलादी लोचन बजाए, मतलब ये है कि आपका जो अंश था वो धाए, मतलब इलादी के हृदय में था। तो इलादी रुदन इसलिए मचाया, इलादी जो बहन थी रुदन मचाया कि वो सोच रही थी कि मेरा भाई तो मर गया है, मेरा भाई की मृत्यु हो गई है, वो कहाँ से आएगा मेरे पास, कौन मुझे भात चढ़ाएगा। इसीलिए कहा है कि इलादी ने रुदन मचाया, रुदन मतलब रोना, इलादी ने रुदन मचाया। फिर आगे देखिए कहते हैं ये, बहन त्याग भाई कहाँ जावे, और बहन को त्याग कर भाई कहाँ जा सकता है। तो ऐसा कहा गया, हालांकि भाई की मृत्यु हो गई है तो बहन को त्याग कर भाई कहाँ जावे, तोई बिन का मुही भात पहनावे, अगर तोई बिन का मुही, अगर आप नहीं रहेंगे तो भात कौन पहनाएगा, तोई बिन को मुही भात पहनावे, तोई बिन को तुम नहीं रहोगे तो मुझे भात कौन पहनाएगा, ऐसा इलादी बहन कहती है। आगे देखिए लिखा गया है, रोए बटुकनाथ करुणा कर। अब देखिए अब चूंकि इनके भाई की मृत्यु हो गई थी जो बताया मैंने आपको, तो वहाँ पर बटुकनाथ भैरव बाबा थे वो इनका रूप धर के आ गए ये बहन को भात पहनाने। इसी लिखा है, रोए बटुकनाथ करुणा कर। तो जब इलादी ने रुदन मचाया कि मेरा भाई तो मृत्यु हो गई है और कौन मुझे भात पहनाएगा,
तो यहाँ पर यह हुआ कि बटुकनाथ इतने मतलब उनको इतना खराब लगा तो उनके आंखों से अश्रु आ गए। तो रोए बटुकनाथ करुणाकर हिबरे में तुम जाकर, हिबरे मतलब होता है हृदय में, हृदय मतलब राजस्थानी हिबरे को हम लोग हृदय कहते हैं, तो नहीं हृदय हिबरे में तुम जाकर मतलब हृदय में उनको बात लग गई। इलादी जब रोई उनको तो कि कौन मुझे भात बनाएगा, तो लगा देखो कि देखो मतलब उनकी भक्त थी वो, तो कि कौन इन्हें भात पहनाएगा। तब देखिए आगे क्या होता है, दुखद भई इलादी वाला तब हरि का सिंहासन खाला। जब जगत इलादी वाला इतनी दुखी हो गई कि कौन मेरी शादी में भात लाएगा, तो तभी हरि का सिंहासन हाला, तो हरि भी मतलब हरि भी परेशान हो गए वहाँ पर, सिंहासन लाना मतलब हरि भी परेशान हो गए कि जो इतनी बड़ी भक्त है तो वहाँ पर क्या होगा और उसको कैसे उसको भात पहनाया जाएगा। तभी लिखा है तभी हरि का सिंहासन हाला, समय ब्याह का जिस दिन आया और जिस दिन ब्याह उनका होना था इलादी का, तो प्रभु ने तुमको तुरंत पठाया। तो प्रभु मतलब महादेव ने आपको तुरंत पठाया, मतलब भैरवनाथ को तुरंत पठाया, मतलब ये हुआ कि जो भैरवनाथ जी थे बटुक भैरव जी थे वो इनके भाई का रूप धर के आ गए। तो यहाँ लिखा है प्रभु ने तुमको तुरंत पठाया, विष्णु कहीं मत विलम्ब लगाओ। और विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मत देरी करो, कहीं मत विलम्ब, तुरंत जाओ यहाँ से और 3 दिवस को भैरव जाओ और 3 दिन को जाओ तुम यहाँ से, मतलब 3 दिन तुम वहाँ पर रहना और पूरे शादी का कार्यक्रम अपनी बहन इलादी का करके आना। ऐसा कहा विष्णु जी ने, दल पटाए संग लेकर धाया। और वो साथ में चले तो साथ में उनके दल भी आ गए, सब लोग मतलब उनके जितने गढ़ थे सब साथ में आ गए। इलादी को भात पहनाया और इलादी को भात मतलब इलादी की शादी को धूमधाम से करी इन्होंने, जो बटुकनाथ उनके भाई का रूप धर के आए थे। पूरन आस बहन की कीनी, पूरन आस मतलब जो बहन चाहती थी उसकी, उनको पूरा उन्होंने पूरा किया, पूरन मतलब पूरा करना, आस मतलब जो चाहती थी अपनी बहन की आस उन्होंने पूरी की। और फिर सुर्ख चंदरी सिर धर धीनी, और लाल जो अब शादी होती तो लाल वो लाल पहनाया जाता, लाल चुंदरी पहनाई जाती चुंदरी, तो यहाँ चुंदरी को चंदरी कहा गया है, तो वो उन्होंने इस पर धर दिया, लाल चुंदरी धर दी धीनी। भात भरा लौटे गुणग्रामी, और भात भरा लौटे मतलब भात पहना के शादी पूरी करके वो लौट गए, वापस आ गए वो वापस अपने धाम पे। नमो नमामी अंतर्यामी, नमो मतलब हे प्रभु आपकी जय हो, नाई मतलब हे माँ आपकी जय हो पार्वती माँ। और शिव जी से कहा गया है अंतर्यामी, आप तो सबके मन की बात जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भैरव बाबा की, ये बटुक भैरव बाबा की 40 खत्म हो गई है। अब ये आखिरी देखिए चौपाई बची है, जय 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 भैरव बटुक। देखिए जय का मतलब जीत होता है, तो वहाँ करा जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट धार। स्वामी संकट धार मतलब स्वामी आप ही संकट से बचाने वाले हैं। कृपा दास पर कीजिए, तो स्पष्ट है कृपा दास पर कीजिए, शंकर के अवतार आप, शंकर के अवतार इसलिए आप अपने मतलब कृपा जरूर कीजिए अपने भक्तों के ऊपर। जो या चालीसा, जो भी या चालीसा पढ़े मतलब जो भी या चालीसा पढ़ेगा प्रेम सही सतवार रोज, ये अगर जो भी प्रेम से चालीसा रोज अगर 100 बार पढ़ेगा उस घर सर्वानंद हो, तो उसमें उस घर सर्वानंद मतलब उसके घर में आनंद ही आनंद होगा, उस सर्वानंद मतलब आनंद ही आनंद होना, तो उस घर में सर्वानंद हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा, वैभव बढ़े अपार और हमेशा उसमें हमेशा वैभव बढ़ेगा। तो देखिए आज हमने समझाया यहाँ पर बटुक भैरव चालीसा का क्या अर्थ से अर्थ समझाया, एक एक शब्द का मतलब बताया, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप देखिए जितनी भी चालीसाएँ मैं सब वीडियो द्वारा ला रहा हूँ और सबका अर्थ समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ यही प्रयोजन है कि हम अपने धर्म को समझें कि क्या लिखा है। और अगर आप इसके इनके भक्त हैं बटुक भैरव बाबा के, हनुमान जी किसी के भक्त हैं क्योंकि सभी की चालीसाएँ हैं, तो उन चालीसा का अर्थ जरूर समझें, क्योंकि अर्थ अगर समझेंगे तभी आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय भैरव।